नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, मुझे कई लोगों के मैसेज भी आए, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं उनमें से, कि आपका घर देखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले इसके पहले जो वीडियो डाला था उस पर डिटेलिंग थी कि कैसे हम मेहनत कर करके एक एक कोने को प्यार से सजा रहे हैं। तो अब हमारा घर तैयार हो चुका है, खूबसूरत है। आप बताइएगा कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे गौरव जी। तो आप क्या कह रही हैं, पार्ट टू रेडी हो गया है? पार्ट टू रेडी हो गया है, तो प्लीज जल्दी आइए, शुरुआत करें। चलिए इसी के साथ। आप कभी अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते? अगर मैं शक्ल दिखाऊंगा तो शूट कौन करेगा? आप कैमरा उस तरफ करके दोनों नहीं, का नहीं, नहीं, कर दिखाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा घर पहले लोग देखें, फिर तो हमको देखते ही रहते हैं। शायद मैंने ये पार्ट वन में भी तो दिखाया था। शुरुआत ये देखिए, पप्पा के आशीर्वाद के साथ शुरुआत है, और उसके बाद ये पार्ट वन में दिखाया था जिसके नाम का हमने मतलब भी बताया था कि गौरव राज। इसकी एक बहुत स्पेशल कहानी है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत 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 ज्यादा स्पेशल, तो उसके लिए मतलब लास्ट तक देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा, और ये कहानी शायद तुमको भी पता नहीं है, तो अब मुझे तुम्हें भी वो बतानी पड़ेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये गणपति पप्पा, ये हमारा बताइए। मेरा घर क्या, हमारा घर? सॉरी वाह, ये रहा हमारा घर। हाँ। ये रही मेरी उधर बैल्कनी है, और अरे इनसे तो मिलाइए, ये मेरे पौधे हैं, आइए मैं आपसे इनको मिलाती हूँ। ये चुन्नू, ये मुन्नू, ये टुन्नू, और ये नए बेबी आए हैं, ये नए बेबी हैं। अच्छा, ये दोनों? यस, वेरी गुड। और ये मेरी कैंडल है, मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है, तो मैं जब भी टाइम होता है और जब भी मैं घर पे रहती हूँ तो मैं हर तरफ कैंडल जला देती हूँ, उसकी स्मेल से मेरा घर महक जाता है। और ये आपकी शादी की फोटो? आपकी? ये हमारी हमारी ये देखिए, ये नकली हंसी मेरी, ये समझ में आ गया था इसके बाद कि कैद हो गए जिंदगी भर के लिए आप। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जितना इजीली ये घर दिख रहा है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कारपेट किस कलर का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे चूज करना है, तो सेंटर टेबल में क्या चीजें रखनी होंगी, क्या चीजें नहीं रखनी होंगी, सोफे का ये तो आप ही के हिसाब से डिसाइड होता है कि कब चीजें कहाँ रखनी है, क्या नहीं करना है। नहीं नहीं, ये गलत है। ये जो है ना, ये बहुत चालाक है, ये अपनी बात बहुत अलग तरीके से मनवाते हैं। ऐसा मनवाते हैं कि ऐसा लगेगा कि आप दरअसल यही चाहते थे। तो आप ये ब्लेम गेम खेल रही है, मतलब कि जो भी चीजें हैं जो गलत, ये कहने का यही मतलब है, जो गलत हुआ वो हमारी वजह से, जो अच्छा हुआ। कैमरा घुमा और देखो येलो लाइट कैसी दिखती है, आप सब बताइए। आप सबको येलो लाइट नहीं अच्छी लगती है, लेकिन आप जानना चाहेंगे इन्होंने क्या किया है? मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सॉरी में ही निकल जाएगा सब कुछ। ये येलो लाइट, अब सॉरी, मेरी दो लाइट और मैंने नहीं ऑन करी है। अब आप देखिए इस येलो लाइट में जो घर का माहौल रहता है कितना खूबसूरत लगता है, पर इन्होंने अपनी ब्लू लाइट से पूरा घर जगमगा दिया। ब्लू व्हाइट, आई लव व्हाइट, हाँ जो भी है। ये देखिए, आप बताइए क्या अच्छा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, नो डाउट अच्छा लग रहा है, बट येलो लाइट में जितना मजा आ रहा था, जितना खूबसूरत लग रहा था, जो माहौल बन रहा था, पार्टी का नहीं लेकिन गजलों वाला। पार्टी का माहौल के लिए भी मैंने एक सेटिंग की है, वो भी सबको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। फेवरेट वॉलपेपर है जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। और इसमें क्या डिटेलिंग है, क्या बने हुए चितकबरे से? चितकबरे नहीं, कुछ गोल्ड है, और ब्लू हमने इसके लिए रखा है क्योंकि हमें ब्लू बहुत पसंद है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉल पे भी ब्लू है, हमारी डाइनिंग पे भी डाइनिंग ब्लू है, और डाइनिंग की ये पसंद किसकी है? डाइनिंग ये पसंद दरअसल गौरव की ही है, मुझे भी बहुत पसंद है, ये पूरा हैंडवर्क है। तो अगर मुझे मौका मिला तो जिनसे मैंने ये टेबल बनवाई है, हमने बनवाई है, उनकी शॉप में लेके जाऊंगी, किस तरह से वो हाथों से कलाकारी करके इसको निखारते हैं। वो तो पार्ट वन में दिखाया ही था ना, बनते हुए। ओ हाँ, पार्ट वन में हमने दिखाया था। यस, और क्या दिखाऊं? अरे इसकी लाइट नहीं जलाई है आपने, इतनी लाइटें लगवाई हैं सब जगह। ये जल गई इनकी लाइट,
तो ये मेरी ये है क्या? ये वो ग्लासेस हैं, कभी यूज नहीं होते क्योंकि मैं बहुत सभ्य फैमिली से हूँ। तो ये मेरे सारे कप्स हैं जो मुझे प्यार से सबने गिफ्ट किए हैं। ये क्रॉकरी है, ये भी गिफ्ट किए किसी ने? ये भी सर, नहीं नहीं, इसमें से कुछ चीजें मुझे गिफ्ट मिली हैं और कुछ अब सारा बता दूंगी। क्या हट दे यार। और ये देखिए, ये तो दिखाई नहीं आपने अपनी तस्वीर? ओह, ये खूबसूरत आदमी, ये तो मैं ही हूँ। एक बार कैमरा घुमा के यहाँ से दिखा सकते हैं आप? दिखा देते हैं। अब ये है मेरा छोटू सा मंदिर जिसपे सम्मिलित भगवान है, इनमें मिश्रण है भगवान को। ये हमारे जैन वाले भगवान जी हैं, ये हमारे हिंदू वाले भगवान जी हैं। इन सबका भाईचारा आपस में बढ़ रहा है, पूरा दिन बातचीत करते रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। जैसे दो अलग अलग प्रांत के परिवार मिले हैं प्रांत, तो फिर ये दो अलग अलग धर्मों को भी जोड़ दिया गया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने पहले रूम की तरफ। पहले रूम की तरफ जिसमें कुछ चीजें हमारी, हमने बहुत सोच विचार के किया है, हमारा वो फेवरेट कॉर्नर है। आइए आइए आइए, यहाँ पर भी पहले मैंने येलो लाइट दिखाई है, बाद में इनके ब्लू वाली ऐड करूंगी। वाइट। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा रूम जो हमने बहुत 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 सिंपल रखा है, इसमें कुछ भी चीजें हमने ऐड नहीं की हैं। और जो घर का सबसे फेवरेट कॉर्नर है, ओहो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, तूने बताया कि नहीं कि मैं भूत लग रही हूं? ये कॉर्नर है जहाँ पे बैठ के सुबह हम कॉफी पीने की तलाश में हैं, बट शूट की वजह से बेचारी ये तन्हा, देखिए आप अकेले बैठी हुई हैं। व्यू भी बहुत अच्छा आता है। और ये जो है हमारी किताबों का सेक्शन है, ये छोटी सी हमारी अगर लाइब्रेरी कहूँगा तो भी गलत नहीं होगा, जिसमें किताबें अभी थोड़ी कम है बट बढ़ेंगी। ये हमारी बालकनी है, अभी तो हमने इस घर में बारिश नहीं देखी, बट जब बारिश आएगी तो यहाँ से बारिश का आनंद होगा और यहाँ पर बैठकर हम कॉफी पियेंगे। व्यू देखिए, ये देखिए व्यू। तो मैंने बताया बारिश होगी, हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पड़ेगा गौरव, और मैं अपनी फेवरेट बुक पढ़ूंगी या फिर हम म्यूजिक। अरे ये तो मैं भी आ गया। अरे वाह, तुम बोल रही थी कि मैं आ नहीं रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे बाल इतने खराब लग रहे हैं? ये मुझे तो तुम हर उसमें अच्छी लगती हो, तो मैं कैसे बोल दूंगी खराब लग रही है। इतनी शिद्दत के साथ झूठ बोलता है गौरव। कभी कभी झूठ बोलने में इंसान का फायदा होता है। बस बस बस, अब कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अब हम ले जाएंगे आपको अपने बेडरूम में। व्हाइट लाइट तो ऐड नहीं करी। ये मेरी फेवरेट लाइट, व्हाइट लाइट। और आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी, हम किचन का बहुत ज्यादा आपको नहीं चीजें दिखा पाएंगे क्योंकि किचन में बन रहे हैं लड्डू, तो फिर भी थोड़ा सा दिखाई देंगे। तो मम्मी किसके लिए लड्डू बना रही हैं? आने वाले नए मेहमान के लिए। आप अच्छा। लोग ये मत सोचिएगा कि कोई गुड न्यूज है, ये किसी और के लिए है। ये देखिए, ये बन रहे हैं काजू के साथ, और ये मम्मी ने सब ढका हुआ है। खैर, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ये हमारे यहाँ एक ही चीज का ज्यादा मेरा ख्याल है, अच्छा खासा हम वो रखते हैं कि खाइए बढ़िया खाइए। और इसी के साथ मैं ले चलती हूँ आपको हमारे बेडरूम में, जो कि मेरा बहुत कोजी सा रूम है, जिसे मैंने कोजी रखने का ट्राई किया है, जिसमें बहुत ज्यादा मदद गौरव ने की है। तो अभी ये फिर येलो लाइट सबसे पहले जलाएंगी। अच्छा, आप तो ये आपने बेड के नीचे लाइट है किस उसमें लगवाएंगे? क्योंकि आपको कभी कभी ना घर पे रह रहे कि आप ऊब जाते हैं, घर पे रह रहे कि जब आप ऊब जाते हैं तो आपको होटल वाला फील चाहिए होता है, तो कभी कुछ चीजें ऐसी ऐड करनी चाहिए कि आपको होटल वाला फील। तो आप होटल वाला फील ले रहे हैं, तो आप अपना येलो लाइट पहले जलाएंगी? मैं अपना ओ माय गॉड, मैं पहले अपना येलो लाइट जलाऊंगी। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये बात, ये बेड है जो कि ये बता दो, तो बेड ये तुम्हारी चॉइस थी? इसमें बहुत झगड़े हुए थे, इनको ये लाइट चाहिए था और मुझे ये डार्क चाहिए था। इसमें आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखाओ, इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये शेड है मरून गोल्ड, मतलब मेटेलिक। ओ माय गॉड, तो इतनी डिटेलिंग मैंने की है। अच्छा, ये कब की आपने डिटेलिंग? मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है। इसमें सबका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है गोलू दादा को, जिन्होंने हमारा इंटीरियर किया है घर का। उन्होंने 25 दिन में हमें घर तैयार करके दिया है। इतना फास्ट तो मुझे लगता है दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। हो सकता है, तुम बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो थोड़ी सी और लाइट ऐड करते हैं। ये है मेरा एक फेवरेट
प्लेस जब मुझे कहीं जाना होता है। तुमको तो डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, फिलहाल तो शूट की कहते हैं के लिए। तो इसमें हम सुबह तैयार होते हैं और मेरी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ये मैं बाद में कभी क्यों अपना क्या बोलते हैं इसका व्लॉग, इसका व्लॉग अलग बना लेंगे, इसका व्लॉग अलग बना देंगे। तो आप प्लीज एक बार दूर से मेरा पूरा वाइड में रूम दिखा दीजिए। ये बहुत जल्दी मैं एक छोटा सा व्लॉग हमने बताया जिसमें डिटेलिंग नहीं की है, पर अपना पूरा घर मतलब अपने सपनों की जो हमने शुरुआत की है इस छोटे से घर की, वो आपको दिखाया, उसकी झलक हमने आपको दिखाई है। वरना एक अच्छा सा व्लॉग हम ज़रूर इसके साथ बनाएंगे कि हम कैसे सुबह उठकर चाय पी रहे होते हैं, कभी कभी लड़ भी रहे होते हैं, झगड़ भी रहे होते हैं, ज्यादातर तो वो होता है, देख सकते हैं कि मेरी। लेकिन अगर आप बहुत प्यार प्यार से रहेंगे तो मतलब एक तो हमारा रिश्ता भी दोस्ती वाला है, तो दोस्ती में ऐसे कोई लिहाज नहीं होता, कुछ आपको बोलने के पहले सोचना नहीं पड़ता, तो जो मर्जी वो बोल दो। और यही अगर मैं करूँ तो फिर थोड़ा सा किसी को बुरा लगता है। वही करते हो, सॉरी आप वही करते हैं। ओह माय गॉड, आप ज्यादा ये मत शरीफ मत बनिए, आप वही करते हैं। देखिए मेरी संस्कारी बीवी कितना प्यार से ये फटाक से बेडरूम से जो भागे है ना, मैंने इनको बोला कि थोड़ा रुको मुझे कुछ चीजें बतानी है, पर इन्होंने बताने नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया हो वहाँ एक हार्ट शेप का पिलो था छोटा सा जिसमें इनकी तस्वीर बनी थी, जिसमें बहुत काफी फ्रेश दिख रहे थे, तो आप बताएंगे कि वो क्या है? वो बिल्कुल बताएंगे अगले व्लॉग में, एक एक चीज की डिटेल भी बता देंगे ज्यादा अगर कुछ अभी होगा। बताऊंगी लेकिन अगर क्या है मैं अभी बताऊंगी, वो हम तभी बताएंगे जब लोग हमसे पूछेंगे कि क्या है। अच्छा, कुछ ऐसे दबे हुए राज हैं, कुछ ऐसी दबी हुई चीजें हैं कि आप उसको डिस्क्लोज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ पुराना लोग प्यार है, प्यार कह लीजिए क्या होता है अब किस, देखिए साथ कब किसका कहाँ तक होता है, बस ये है कि वो साथ यादगार बना रहे, अच्छे पल अच्छी चीजें अच्छी यादें बनी रहे, यही होता है। गौरव को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं जानने में कि गौराज का वो जो नेम प्लेट है उसके पीछे की कहानी क्या है, तो मैं तो कोई ये तो आप बता दीजिए, पर कोई बात नहीं, मैं आप उन लोगों को बता देती हूँ जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपका मुझे पता नहीं, आपको भी प्यार करते ही है। तो उसका ये है मसला कि मैं जब हमारी दोस्ती थी तो बहुत 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 ज्यादा गहरी दोस्ती थी, तब इसकी शादी की बात चलने लग गई थी या कुछ तो था, मुझसे इसने शेयर किया था जो भी, मैं गई थी हिमाचल घूमने, तो हिमाचल में मैं ग्रुप में जो गई थी, मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, तो वहां पे हिडिम्बा मंदिर के पास ऐसे नेम प्लेट बन रहे थे हैंडमेड, तो सारे लोग बनवा रहे थे क्योंकि हर किसी को, वो दो कपल थे और मेरी एक फ्रेंड भी, उसने भी बनाया, तो सब मुझे छेड़ने लग गए कि तू भी बनवा ले, कोई नहीं तू सिंगल है तो क्या हुआ, तू अपने नाम की बनवा ले। ओ, तो आपने मैनिफेस्ट किया था उस वक्त? नहीं नहीं नहीं, तो मैंने तब ये सोच के नहीं बनवाई थी कि मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैंने ये सोच के बनवाई थी कि अच्छी मैंने दोस्ती है, सोचा, दोस्ती की याद में, तो मैंने दोस्ती की याद में, जैसे कि मेरी कुछ यादें पुरानी जैसे आप बताना चाह रही थी वो है, उसी तरह आपने भी दोस्ती की तो मैंने ये सोचा था कि मैं वो नेम प्लेट या तो इसे गिफ्ट कर दूंगी इसके बर्थडे पे, ताकि इसे मैं हमेशा याद रहूं, क्योंकि पता नहीं होता ना कि दोस्ती में कब कहां कौन कभी बिछड़ जाए काम के सिलसिले में या ये, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे चल के तुम्हारे साथ ऐसे घर पे। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, चीज बहुत अच्छी हो गई, और ये जो आपने वादा किया था कि उस नेम प्लेट के बारे में बताना था वो आपने बता दिया, बाकी चीजों के बारे में जो आपको मेरे बारे में डिस्क्लोज करनी है चीजें वो आगे अगले व्लॉग में बताइएगा, और प्लीज हमें बताइएगा कि हमारा घर कैसा लगा, कैसा लगा, प्लीज 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 बताइएगा, फिर हम आपको नंबर भी देंगे हमारे इंटीरियर का। हाँ, वो दादा ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत किया उनसे भी, अगर हालांकि पार्ट वन में वो दिखे हैं हमारे साथ काम करवाते हुए, तो और हम सच्ची बताएं हमें कहीं नहीं भाग दौड़ करनी पड़ी, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम शूट पे कंटिन्यू शूट पे बिजी होते थे और दादा हमें या तो शूट पे प्रोवाइड करा देते थे या हम अब तुम इतनी बातें करोगे सब बोर हो जाएंगे। ओके सॉरी, इनको बात करने की आदत है, कैमरा ऑन होता है बात करती रहती है, पिछले 7-8 साल 10 साल से इन्हें देख ही रहे। एनीवे, और ये एक छोटा सा टूर किया है हमने, बहुत जल्दबाजी में किया है हम जानते हैं, पर अगर आप लोग बोलेंगे और डिटेलिंग में जानने के लिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, और इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हमारे कुछ ना शामिल होते रहिए। शब्बा खैर, हम फिर आएंगे जल्द, बहुत जल्द कुछ नई चीज के साथ, और आपका प्यार लेने, आप लोगों को प्यार देने।
नहीं।